गौतम बुद्ध की सीख। नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं तो आपको इस कहानी से जरूर सीख मिलेगी। दोस्तों, आज के इस गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसीलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है, गौतम बुद्ध हर बार की तरह किसी गांव से प्रवचन देकर अपने नगर की ओर लौट रहे थे। पर जब वह लौट रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक अजीब प्रकार का मौन महसूस किया। पूरे नगर में ऐसे सन्नाटे को देख बुद्ध ने लोगों से पूछा, पूरे नगर में ऐसा अजीब सा सन्नाटा कैसा फैला है? इसके पीछे क्या कारण है? लोगों ने कहा, गुरुजी, इस नगर में ऐसी शांति इसलिए छाई हुई है क्योंकि यहाँ थोड़े दिन पहले ही एक राक्षसी भी आकर बस गई है। बात यह नहीं है कि वह राक्षसी यहाँ आकर क्यों बस गई, बल्कि असली बात तो यह है कि वह राक्षसी नगर के सभी बच्चों को एक एक करके उठा ले जाती है और फिर उनको खा जाती है। इसी बात के चलते लोग हर पल दहशत में रहने लगे हैं। सभी अपने बच्चों के साथ घरों में दुबक कर रहने लगे हैं। जैसे ही बुद्ध ने यह सारी बात सुनी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगे कि कैसे कोई इतना घिनौना काम करके खुश रह सकता है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को भेजकर उस राक्षसी के बारे में पता लगाया। बुद्ध को पता चला कि उसके भी तीन बच्चे थे और वह अपने तीनों बच्चों के साथ एक बड़ी गुफा में रहती थी। बुद्ध ने उसे सबक सिखाने के लिए अलग तरकीब सोची। उस तरकीब के अनुसार आखिरकार बुद्ध एक दिन राक्षसी की गुफा के पास जाकर बैठ गए और साधना करने लगे। जैसे ही वह अपने भोजन की तलाश में बाहर निकली, बुद्ध गुफा में चले गए। गुफा में बुद्ध ने देखा कि राक्षसी के तीन छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। बुद्ध ने उन तीनों में से एक बच्चे को उठाया और वह नगर की ओर निकल गए। जब राक्षसी शिकार करके वापस आई तो उसने देखा कि उसका एक बच्चा गायब था। अपने बच्चे को वहां ना देख वह बिलख बिलख कर रोने लगी। फिर वह अपने बच्चे की तलाश में निकल पड़ी। उसने अपने बच्चे को हर जगह ढूंढा पर उसे कहीं नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर वह जंगल में बैठ गई। अचानक ही उसे एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ उसके बच्चों से काफ़ी मिलती जुलती थी। जब वह आवाज़ उसे काफ़ी नज़दीक सुनाई देने लगी, अब बुद्ध और उसका बच्चा उसकी आंखों के सामने थे। उसने अपने बच्चे को बुद्ध के हाथों से लेना चाहा, पर बुद्ध ने देने से इनकार कर दिया। बुद्ध बोले, मैंने तुम्हारे बच्चे को गोद लिया है, आज से यह मेरा बच्चा है। राक्षसी हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोली, ऐसा मत कीजिए, मेरे बच्चे को मुझसे अलग मत कीजिए। बुद्ध ने कहा, चलो मैं तुम्हारे बच्चे को तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि उन हजारों माताओं पर क्या बीतती होगी जिसके बच्चे तुम खा गई। उस राक्षसी का सिर मानो शर्म के मारे एकदम झुक गया। उसे आज बुद्ध की बात समझ आई कि उसने कितनी ही माताओं की भरी गोद सुनी कर दी थी। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। अब उसे अपना बच्चा मिल गया था। उसे उसी क्षण अपने अंदर की राक्षसी भाव को खत्म किया और हमेशा के लिए सन्यासी बन गई। अगर आपको यह कहानी पसंद है तो कृपया अपने किसी भी तरह के सुझावों अथवा विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। शेयर, लाइक या कमेंट जरूर करें। दोस्तों, आज के इस गौतम बुद्ध कहानी में सिर्फ इतना ही।
दोस्तों हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।